तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको क्लाइंट सिर्फ टेंशन 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 दे रहा है, आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको आगे से गुस्सा करना चाहिए या उसको अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए? आज ज्यादा व्लॉग शूट हो नहीं पाया, लेकिन कल कुछ किया था तो उसकी आप हाइलाइट्स मुलाहिजा फरमाइए। कल का दिन भी आम दिनों की तरह ही था। सबसे पहले उठ के किया नाश्ता और उसके बाद घर के कुछ सोडा सेल्फ लाने थे। सोडा सेल्फ मुलाहिजा फरमाइए। दूध वाली दुकान जो है वो घर के पास ही है, तो इतना बंदे को पैदल चल लेना चाहिए। दूध लेना है, सब्ज़ी लेनी है, दही लेना है। सब्ज़ी और दूध मिल गया है, दाल नहीं मिली भाई साहब। दाल के लिए हमें जाना पड़ना है दूसरी दुकान पे। गर्मी ज़्यादा है भाई। सोडा सेल्फ लाने के बाद एक ज़रूरी काम था जिसके लिए चाहिए थी तस्वीरें, और तस्वीर खिंचवाने के लिए मैं गया स्टूडियो पे जहाँ लाइट नहीं आ रही थी। तो वहाँ कुछ ख्वारी हुई, लेकिन वहाँ पर एक मॉडल देख के आपका भाई पिघल गया। मॉडल मुलाहिजा फरमाइए। और अब आ जाते हैं आज के दिन में जहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सुबह उठ के की है एडिटिंग एडिटिंग और एडिटिंग। और अब शाम में याद आया कि यार वीडियो तो बनाई नहीं, तो अभी बन रही है वीडियो। शाम के 6 बज रहे हैं इस टाइम। डैट्स ऑल। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गुड क्लाइंट वर्सेस बैड क्लाइंट की। अकॉर्डिंग टू मी, गुड क्लाइंट आपका वो क्लाइंट है जो आपको टाइम पे पिक्चर्स की सिलेक्शन दे देता है, सॉन्ग की सिलेक्शन दे देता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेमेंट दे देता है। जबकि बैड क्लाइंट आपको इन सब में से कुछ भी नहीं देता, वो आपको देता है एक गज़ब की चीज़ जो कि है टेंशन। आज वीडियो ना बनाने की एक वजह है क्लाइंट्स, क्लाइंट्स और काम। मेरा एक क्लाइंट काफ़ी दिनों से सोया हुआ था, उसका काम वीडियो का पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने जब उसे मैसेज किया और उसने रिप्लाई शिप्लाई दिया तकरीबन एक माह के बाद, लेकिन एक माह के बाद उसका रिप्लाई आता कि हाँ जी भाईजान कितनी प्रोग्रेस होगी काम की। तो काम की प्रोग्रेस तो तब होगी जब आप बताएंगे काम करना कैसे है। तो पिछले 2 दिन से मैं उसी का काम कर रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोड शेडिंग अलहदा तंग कर रही है, तो मसले मसाइल बस बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी छत पर आके थोड़ा सुकून है, तो अभी की सूरत हाल बस यही सूरत हाल है आज। गुड क्लाइंट्स और बैड क्लाइंट्स में गलती हमेशा क्लाइंट की नहीं होती, कभी कभी सर्विस प्रोवाइडर भी गलत हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको क्लाइंट सिर्फ टेंशन 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 दे रहा है, आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको आगे से गुस्सा करना चाहिए या उसको अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए? यकीनन गुस्सा करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्लाइंट को पहले करें थोड़ा सा मीठा मीठा, समझ गया मीठा मीठा, थोड़ा सा मीठा मीठा करके उसको बताएं कि सर आपकी गलती थी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लेकिन जब वो अपनी गलती का इतराफ़ कर ले, तो आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर की तरह उसको दें कुछ दिनों का टाइम, और कोशिश करें कि उस टाइम फ्रेम में आप उसका काम डिलीवर कर दें। वरना वो जहाँ बैड क्लाइंट बना है, आप भी एक बैड सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। बस यही आज की वीडियो में, आज कुछ था नहीं लेकिन चुल हो रही थी कि यार वीडियो बनानी है, तो ये वीडियो बना डाली। बस अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय। बाय द वे, हमारे सामने सूरज साहब हैं और बादल भी हैं और परिंदे भी हैं, तो कोशिश करते हैं कि एक आधा टाइम लैप्स अगर निकल आया, अगर बैटरी ने इजाज़त दे दी, क्योंकि बैटरी नीचे पड़ी है।